आज जैन समाज के एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें देश विदेश के जैन धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जैनियों के सर्वोच्च तीर्थ शिखर को लेकर विवादित बयान देने वाले पूर्व सांसद सलखान मुर्मू पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन के पुतला दहन की कड़ी भर्त्सना की गयी। मीटिंग में बरेली के सौरभ जैन ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इससे निम्न स्तर का उदाहरण हो ही नहीं सकता। लोकसभा व झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व सलखान मुर्मू ने सदियों से चले आ रहे भाईचारे पर अपनी तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए कुठाराघात किया है। उन पर रासुका की कार्यवाही की जानी चाहिए। उनके इस कुकृत्य का विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। लखनऊ के वैभव जैन ने बताया कि मयूरभंज लोकसभा से पूर्व सांसद सलखान मुर्मू द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत रांची में 9 फरवरी 2023 को पारसनाथ पर्वत पर स्थित जैनियों के सर्वोच्च तीर्थ की करोड़ों वर्ष प्राचीन टोनको व मंदिरों को ध्वस्त करने की घृणित बात मीडिया के माध्यम से कहकर देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने कुत्सित प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए धनबाद के पुलिस अधीक्षक को FIR दर्ज कर आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अंत में सभी ने विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन द्वारा इस घटना का विरोध दर्ज कराने पर मुर्मू के साथियों द्वारा उनका पुतला दहन किए जाने की कड़ी भर्त्सना की। मीटिंग में नैरोबी से अरुण जैन, जयपुर से विद्या अजीता, अभिषेक जैन, नीता दया जैन, डॉक्टर सुमिता जैन, डॉक्टर मधुर सुधीर जैन, रुचिका, डॉक्टर वीना जैन, प्रतिमा राजीव जैन, अजमेर से पल्लवी आशीष जैन, सुनील जैन, पिंकी, शैल। मामला यह है कि जैन समाज को उद्वेलित करने का काम दोबारा से किया गया है पूर्व सांसद सलखान मुर्मू द्वारा। उन्होंने अपने झारखंड में जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एक ओछी राजनीति करते हुए एक बयान दिया है कि वो हमारे पारसनाथ पर्वत राज पर जो सम्मेत शिखर जी स्थित जो हमारे मंदिरों और टोंकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं और वो भी किस तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है बाबरी विध्वंस जैसा। तो मेरा सवाल उनसे यह है कि पहली बात तो है कि सदियों करोड़ों साल से जैन समाज का जहां तीर्थ है तो उसको बाबरी मस्जिद से तुलना करना तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने किसी जगह किसी का तीर्थ तो कब्जा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई करोगे तो अफगानिस्तान में जिस तरह की आपदा आई थी वहाँ की प्रतिमाएँ जब तोड़ी गई थी पूरा अफगानिस्तान साफ हो गया, उस तरह की कार्रवाई अपने आप हमारे ईश्वर देखेंगे, अपने आप देश समाज जनता देखेगी। तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दूसरा, उन्होंने हमारे विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला दहन किया है संजय जी भाई साहब का, क्योंकि उन्होंने इस बात का विरोध किया था, ये भी गलत बात है। लोकतंत्र में अगर अपनी कोई बात कहनी तो उसके तरीके होने चाहिए। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। आज हम लोगों ने वर्चुअल बैठक की जिसमें देश विदेश के लोग जुड़े और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, हम लोगों ने इस बात की चर्चा की और इसका हर जगह से विरोध किया जाएगा, हर जगह FIR की जाएगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेकर के धनबाद के SP साहब को उन्होंने जो है पत्र भेजा है कि उस पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को अगले 15 दिनों में दें।